बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ बन रहा है पास्ता सैलेड। पास्ता बच्चे खुश होके खा लेते हैं, तो उनको सैलेड बना के दें होममेड ड्रेसिंग के साथ, वो खुश होके खाएंगे। सब्जियाँ भी इस तरह से साथ खा लेंगे। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने पास्ता बॉयल करके रखा है। आपका पास्ता पूरी तरह उबला हुआ होना चाहिए। जिस शेप में भी आप लेना चाहते हैं उस शेप में आप ले लीजिए। सैलेड की क्वांटिटी आपने जितनी बनानी है वो आपके ऊपर है। सब्जियां आपने ज़्यादा डालनी है, पास्ता कम डालना है, पास्ता ज़्यादा डालना है, सब्जियां कम रखनी है, जो आपको अच्छा लगे। जिस तरीके से आपके घर में बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं आप उसी तरीके से बनाइएगा। यहाँ पे मैंने पास्ता बॉयल करके रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने नमक डाला था और ऑयल डाला था। बॉयल करके इसको रख लिया है, ठंडा हो गया है। यहाँ पर मैंने खीरा एक पूरा, इंग्लिश क्यूकम्बर जो होता है वो काट के रखा हुआ है। दो मीडियम साइज़ की गाजरें मैंने काट के रखी हुई हैं। ये मेरे पास चेरी टमाटोज हैं, येलो, ऑरेंज और रेड तीनों। यहाँ पे मैंने सेलरी की दो स्टिक्स काट के रखी हैं। ये मेरे पास बेल पेपर है एक छोटे साइज की कटी हुई। यहाँ पे मेरे पास ये ग्रेनी स्मिथ एप्पल है, खट्टा मीठा। देखिए इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, अभी मैंने काट के रखा था। ये जाएगा इसके अंदर। आप जो सब्जियाँ जो चीज़ें भी डालना चाहते हैं इसके अंदर, आपके घर में खुश होकर खाया जाता है, वो डाल सकते हैं। अब इसकी जो हम ड्रेसिंग बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे मेरे पास हाफ टेबल स्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून चीनी है, 1 टेबल स्पून लेवन मैंने पिसी हुई काली मिर्च का लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून फुल मैंने लिया है चाट मसाले का। यहाँ मेरे पास जो है वो 1/2 कप लाइम का जूस है, लेमन का, लाइम का, जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप ले लें 1/2 कप जितना। 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल के डालूंगी। ड्रेसिंग बना के हम सैलेड के ऊपर जो है वो डालेंगे। हमारा सैलेड रेडी होगा, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, साफ सुथरा, घर का बना हुआ। तो आइए चीज़ों को मिक्स करना शुरू करते हैं। पास्ते के अंदर सबसे पहले मैं एप्पल जो मैंने काट के रखा हुआ ग्रेनी स्मिथ वो डाल दूंगी। उसके बाद यहाँ अब हमने बनानी है ड्रेसिंग। सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इस जार के अंदर डाल दूंगी। बाकी की चीज़ें बाद में मिक्स करते हैं क्योंकि चीनी थोड़ा सा टाइम लेगी इसमें डिजॉल्व होते हुए। साथ ही से हम ऑलिव ऑयल भी डाल देंगे। ऑलमोस्ट मेरा 4.5 टेबल स्पून जो है वो चला गया है इसके अंदर। अब हम बाकी की चीज़ें मिक्स करते हैं। होपफुली चीनी इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर। इसको मैं अच्छे से करती हूँ हल। हमारी सैलेड की ड्रेसिंग रेडी हो गई है, अब इसके ऊपर डाल देंगे। हमारा कलरफुल पास्ता सैलेड जो है वो रेडी है। पास्ता इसके अंदर आप और डालना चाहें तो और डाल लें, मैंने और बॉईल करके भी रखा हुआ है। एक्स्ट्रा साथ अगर बच्चों ने डालना हो तो वो डाल लेंगे। हमारा सैलेड जो है वो रेडी है, इसको सर्व करेंगे। पास्ता सैलेड रेडी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।